हेलो लो जी, फिर हम आ गए एक बार फिर आपके सामने फॉलो मी के परफ्यूम को लेकर। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि फॉलो मी का जो सवाज एलिक्सर है वो कैसा है, उसकी लॉन्जिविटी कैसी है और उसकी सिमिलैरिटी कैसी है ओरिजिनल डियोर सवाज एलिक्सर से। आज जिस परफ्यूम के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो भी एक फॉलो मी का परफ्यूम है जिसका नाम है जेंटलमैन बॉयजे। गिवेंची का जेंटलमैन बॉयजे जो कि एक वुडी परफ्यूम है, इसमें आपको वुड्स की बहुत ही अच्छी स्मेल आएगी, इसके बारे में आज आपको बताऊंगा। और मेरा पसंदीदा ये परफ्यूम बन गया है क्योंकि मुझे एक इंग्रेडिएंट परफ्यूम में बहुत ही अच्छा लगा है और हो सकता है कि वो आपको भी पसंद आए। बहुत ही शानदार और बहुत ही क्लासी स्मेल होती है उसकी। तो चलिए उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है, ये है फॉलो मी का बॉक्स जो कि सिंपल सा है, बहुत ही सस्ते क्वालिटी का है, लेकिन इस बॉक्स से कोई मतलब नहीं है हमें क्योंकि ये तो सिर्फ कैरी करने के लिए है। फिर भी आपको दिखा देता हूँ कि जब आप इस परफ्यूम को मंगाएंगे तो आपको किस तरीके का बॉक्स मिलेगा। तो ये कुछ ऐसा है, पीछे से सिल्वर है, आगे स्टिकर लगा हुआ है फॉलो मी का और यहाँ पे जो ये फ्रेग्रेंस है उसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है कि ये किस बड़े डिजाइनर परफ्यूम या फेमस परफ्यूम का क्लोन है। तो इस बॉक्स को यहाँ रख देते हैं और निकालते हैं असली चीज को जो कि है वो फ्रेग्रेंस जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे तो ये बहुत ही नीच परफ्यूम है, बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। जो कॉमन परफ्यूम्स हैं मार्केट में वो ज्यादातर या तो क्रीड एवेंटस है या ब्लू डी शनेल है या डियोर सवाज है या डिल्लन ब्लू है या वर्साचे के कोई क्लोन्स है, लेकिन ये जो गिवेंची का जेंटलमैन बॉयजे है ये 2020 में लॉन्च हुआ था और एक अच्छी फ्रेग्रेंस मुझे लगी थी तो मैंने सोचा इसके बारे में भी आपको बताते हैं। ज्यादातर आप इंटरनेशनल जो परफ्यूमर्स हैं जो परफ्यूम्स के रिव्यू करते हैं उनके वीडियोस आप देखेंगे तो वहां पे आपको इसका जिक्र मिल जाएगा, लेकिन इंडियन जो हमारे रिव्यूअर्स हैं उन्होंने बहुत ही कम, मेरे ख्याल से ना के बराबर इसके बारे में कोई रिव्यू बनाया है। तो एक नई फ्रेग्रेंस होगी आप सबके लिए। तो चलिए इसके बारे में आज आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये बॉटल आप देख लीजिए, सिंपल बॉटल है, सिल्वर कलर का इसका कैप है और आगे फॉलो मी लिखा हुआ है। ये 60 ml की बॉटल है। चलिए अब निकालते हैं इसकी फ्रेग्रेंस को और बताते हैं कि वो फ्रेग्रेंस कैसी है जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो ये मैंने इसको ओपन किया, इसका सिल्वर कलर का सिंपल सा एडवाइजर है और ये इसका स्प्रेयर है। आप देख रहे हैं कितना अच्छा और डिसेंट स्प्रेयर है और ये आप मेरे हाथों में देख सकते हैं कि कितना ज्यादा ऑयल कंटेंट इसके अंदर है। वैसे कंपनी इसको कहती है कि इसमें 45% ऑयल कंटेंट है जो कि मुझे भी महसूस होते हैं। वाह, क्योंकि जब शुरुआत में बहुत सारे परफ्यूम्स में एक अल्कोहलिक ब्लास्ट आता है, एक सिंथेटिक ब्लास्ट आता है, वो तो इसमें बिल्कुल भी नहीं आता। आपको एकदम नेचुरल जो ऑयल कंटेंट है उनकी स्मेल ही आएगी। तो चलिए इस परफ्यूम के बारे में बताता हूँ कि गिवेंची का जेंटलमैन बॉयजे कैसा है। तो जेंटलमैन बॉयजे बेसिकली, बॉयजे का मतलब है थोड़ा वुडी नुआंसेस जिस परफ्यूम में होते हैं उसको बॉयजे कहते हैं। तो ये एक वुडी परफ्यूम है, ये तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन और क्या क्या खास बात इसके अंदर है जो कि मैंने आपको बताया कि वो खास चीज मुझे पसंद है उसके बारे में बताता हूं। तो देखिए इसकी जो ओपनिंग होती है थोड़ी सी स्पाइसी होती है, ब्लैक पेपर हल्का सा और साथ में जेरेनियम की एक फ्रेश स्मेल के साथ इसकी ओपनिंग होती है और शुरुआत से ही हल्का सा आपको वो नोट आने लगेगा जो कि बहुत ही शानदार लगता है, वो होता है आयरिश का। तो ऑरिस भी इसको कहते हैं। आयरिश का जो एक स्वीट और हल्का सा पाउडरी नोट आता है वो बहुत ही शानदार आता है। शुरुआत में आपको 10-15 मिनट तक थोड़ा सा स्पाइसी और थोड़ा सा जेरेनियम की स्वीटनेस के साथ फ्लोरल लगेगा, लेकिन तुरंत ही ये ऑरिस में कन्वर्ट हो जाता है और काफी देर तक इसके अंदर ऑरिस की स्मेल आती है जो कि मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छी लगती है। आपने बहुत सारे फेमस परफ्यूम्स का नाम सुना होगा, जैसे कि प्राडा लॉम का सुना है, डियोर ओम का सुना है, तो ये कुछ उस कैटेगरी का परफ्यूम है। वो भी ऑरिस बेस्ड परफ्यूम्स हैं जो कि बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंसेस हैं। तो कुछ वैसी ही फ्रेग्रेंस ये भी मुझे लगती है और जब ये बेस नोट में जाता है तो टोटल वुडी हो जाता है। इसमें आपको सैंडलवुड की जो क्रीमी और हल्की सी स्वीट सी स्मेल होती है वो स्मेल आती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा ये ट्रेडिशनल स्मेल नहीं लगती, ये एक मॉडर्न वुडी स्मेल लगती है। देखिए परफ्यूम्स में मुझे लगता है कि दो कैटेगरियां हैं, एक तो मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स हैं जो कि थोड़ा सा ट्रेडिशनल टच लिए हुए रहते हैं अपनी हर फ्रेग्रेंस में, लेकिन जो फ्रेंच परफ्यूम्स होते हैं
उनमें आपको थोड़ा सा मॉडर्न स्मेल मिलती है। तो वो एक जो वुड्स की मॉडर्न स्मेल होती है, सेडर वुड की, सैंडल वुड की और एम्बर वुड की, वो सारी स्मेल आपको बेस में काफी देर तक मिलती है, जो कि इसे एक वुडी फ्रेग्रेंस बनाती है। वुडी और आयरिश का जो इसमें तालमेल है वो बहुत ही शानदार है। तो ये एक बहुत ही अच्छी और क्लासिकल आयरिश वुडी स्मेल लगती है, जो कि बहुत ही रिफ्रेशिंग भी लगती है, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा ये फ्रेश होता है, बहुत ज्यादा इसको मैं फ्रेश नहीं कहूंगा, लेकिन बाद में ये थोड़ा सा आयरिश और पचोली की हल्की सी स्वीटनेस को भी लेकर आता है। तो थोड़ा सा स्वीट है, बहुत ज्यादा इसको स्वीट नहीं कह सकते, लेकिन हल्की सी स्वीटनेस इसके अंदर बरकरार रहती है और साथ में आपको हल्की सी चॉकलेट की जो वाइब होती है ना वो भी आएगी। तो थोड़ा सा चॉकलेटी, थोड़ा सा पाउडरी, थोड़ा सा स्वीट और बहुत ज्यादा आयरिश और वुडी वाला परफ्यूम ही है। तो एक अच्छी फ्रेग्रेंस है, इसलिए मैंने इसको मंगाया था। मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए इसको मंगाया है, क्योंकि आयरिश की जो स्मेल है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, जो कि इसमें बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड की गई है। अब बात करते हैं कि इसका प्राइस क्या है। देखिए, ये 60 ml की बॉटल है और ये आपको 850 rupees में विद शिपिंग मिल जाएगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एक व्हाट्सएप नंबर मैंने डाला है जो कि फॉलो मी के सेल्स टीम का है, वो आपको अच्छी तरीके से गाइड करेगी और आपको बताएगी ये फ्रेग्रेंस की और भी क्या क्वालिटीज हैं। अब बात करता हूं कि इसकी लॉन्जिविटी कितनी है। तो देखिए, ये फॉलो मी के जो परफ्यूम्स हैं, इनकी सबकी जो है लॉन्जिविटी बहुत ही अच्छी है। 7 से 8 घंटा या आप मान लीजिए 9 से 10 घंटा भी इसकी फ्रेग्रेंस आपके कपड़ों पे टिकी रहती है और इसका प्रोजेक्शन भी बहुत अच्छा है, 1.5 से 1 घंटे तक ये काफी दूर तक प्रोजेक्ट करता है। और साथ में इसकी जो स्मेल है ना वो बिल्कुल भी सिंथेटिक नहीं है, एक अच्छी और नेचुरल फ्रेग्रेंस ये लगती है शुरुआत से ही। ये एक वर्सेटाइल परफ्यूम है, इसको आप कभी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर आप थोड़े से ठंडे मौसम में यूज करेंगे, जो अब मौसम आ रहा है बरसात के बाद, तो अब धीरे धीरे विंटर्स आ रहे हैं, तो इस मौसम में तो ये बहुत ही शानदार लगेगा। तो इसको आप शाम को पार्टी में डेली यूज और कहीं पे भी किसी भी ओकेजन पे इसको आप यूज कर सकते हैं। ये एक वर्सेटाइल परफ्यूम है, थोड़ा सा स्वीट जरूर है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर आपको हल्के स्वीट परफ्यूम अच्छे लगते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। तो ये था फॉलो मी के जेंटलमैन बॉयजी के बारे में मेरा अपना ओपिनियन। मैं और भी ऐसे जो नई कंपनियां हैं, जो कि बड़े बड़े डिजाइनर परफ्यूम्स और फेमस परफ्यूम्स के क्लोन्स बना रही हैं, उनको रिसर्च कर रहा हूँ, उनको ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूँ, ताकि पता चल सके कि इनकी फ्रेग्रेंसेस कैसी हैं। बहुत सारे परफ्यूम्स हैं मार्केट में, तो सबके बारे में जानना चाहिए, कौन क्या बना रहा है पता लगाना चाहिए, कौन अच्छा बना रहा है, कौन खराब बना रहा है, ये सारी बातें हमें और आपको पता होनी चाहिए। मेरा बस ये मकसद है इस परफ्यूम को मंगाने का, कि अगर ये एक अच्छी फ्रेग्रेंस निकलती है तो बहुत अच्छी बात होगी, कि आपको एक नए परफ्यूम के बारे में पता चलेगा। जो आपकी एक चिंता होती है कि परफॉर्मेंस ज्यादातर परफ्यूम्स की अच्छी नहीं होती है, तो मेरा दिमाग भी सिर्फ परफॉर्मेंस पे लगा हुआ है और मैं ढूंढ रहा हूँ कि कौन कौन से परफ्यूम्स हैं जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो उसी तरीके से इसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस बड़े फेमस परफ्यूम के क्लोन को यूज करना चाहते हैं। अपनी चॉइस के हिसाब से उन परफ्यूम्स को आप चाहें तो फॉलो मी में ढूंढ सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही जल्दी फॉलो मी या और भी किसी ऐसे परफ्यूम के बारे में बताने के लिए आपके सामने आ जाऊंगा। चलता हूँ, नमस्कार।